सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बच्चे वी वर डूइंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है. एंड इन दैट आपने लास्ट दो लेक्चर्स कंप्लीट की थी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है. अज आप इस चैप्टर का एक तरह का लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म करना है, जिसनों आप कहने हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी Also known as CFT, ठीक है. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या फिर CFT. मैं सानू पहला भी काफी बार दस चुका, एक बार फिर मैं दसदा बच्चे कि VBT ते CFT चो एक ना एक क्वेश्चन आपां नू जरूर आऊगा, 101% आऊगा, ठीक है ना. हुण देखो जिवें आपां ने स्ट्रक्चर्स दा मैग्नेटिक करैक्टर, हाई स्पिन लो स्पिन, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सारा कुछ बच्चे कैलकुलेट किया सी ऑन द बेसिस ऑफ VBT, आपां उही सब कुछ करांगे ऑन द बेसिस ऑफ CFT, ठीक है. हुण CFT ते VBT च जिहड़ा मेन डिफरेंस है, ठीक है. सो हाउ इट डिफर्स, सो डिफर्स डिफरेंस फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सो CFT ते वैलेंस बॉन्ड थ्योरी च फर्क की है बच्चे, देखो जिहड़ी VBT है अकॉर्डिंग टू VBT the bonding between central metal atom ya ion, central metal atom ya ion and the ligands is purely covalent bache, theek hai na. So metal atom और लिगेंड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ. ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਕੋਲੇ ਐਮਪਟੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਗੈਂਡਸ ਕੋਲੇ ਲੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਜਾਂ ਆਇਨ. ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਓਰਲੀ ਅ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ, ਪਿਓਰਲੀ ਅ ਕੋਵਲੈਂਟ. According to CFT, जिहड़ी उह bonding है, the bonding is purely electrostatic. So बच्चे देखो, मैं जिवें तुहानूं कहा सी कि 100% करैक्ट तां कोई भी थ्योरी नहीं हैगी, है ना. None of the theories is 100% correct. देखो जो चैप्टर की स्टार्टिंग तो मई सू सिखा रहे हैं कि लिगेंड्स से मेटल एटम के बॉन्ड्स कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, तो होंगे भी कोऑर्डिनेट ही है, ठीक है. तो जबकि इतने आपने कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि आयोनिक फोर्सिस, ठीक है. सो 100% करैक्ट कोई भी थ्योरी नहीं, उन्होंने एजम्पशन नहीं गिया, ठीक है. नाउ हूँ वह कहते कि अगर सपोज लिगेंड्स नैगेटिवली चार्ज है, मेटल प्लस नैगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, सो लिगेंड्स के ऊपर जिन्होंने ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो एक अपने को होगा मेटल एटम और एक होंगे लिगेंड्स जिन्होंने ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, कोई भी नेगेटिव चार्ज, ठीक है. फिर वो कहते हैं कि जिहड़ियां फोर्सेस होंगियां वो आयन आयन फोर्सेस होंगियां. सो आयन ते आयन दे विचकार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है. अगर लिगेंड न्यूट्रल है, अगर अपना लिगेंड न्यूट्रल है विदाउट एनी नेगेटिव चार्ज, फिर वो कहते जिहड़ियां फोर्सेस होंगियां दे विल बी आयन, एक पासे दा आयन है गई है ते दूसरी तरफ डाइपोल, ठीक है. वो कहते कि दूसरी तरफ जिहड़ा लिगेंड है क्योंकि वह कोवेलेंट है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो वह की हो जाएगा पोलर, यानी कि उससे डाइपोल बन जाएगा. आयन ते डाइपोल, आयन दा पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल दा नेगेटिव चार्ज, आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि जिहड़ियां फोर्सेस होंगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होंगी. अगर दोनों आयन्स ने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर तो आयनिक फोर्सेस हो ही गई आयन आयन विचकार. और अगर एक लिगेंड न्यूट्रल है, फिर हो गई आयन ते डाइपोल विचकार फोर्सेस, ठीक है ना. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है. सो जिहड़ी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कंसीडर करके चलती है द बॉन्डिंग बिटवीन द लिगेंड्स एंड द सेंट्रल मेटल एटम या आयन एज प्योरली कोवेलेंट, व्हाइल सीएफटी सेज द बॉन्डिंग बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड्स इज
इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर अपना लिगेंड न्यूट्रल है द फोर्सेस आर आयन डाइपोल फोर्सेस, एंड अगर अपना लिगेंड नेगेटिवली चार्ज है तो द फोर्सेस आर आयन आयन फोर्सेस. फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे को एक ऐसा का कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट के नाल छे फ्लोराइड लगे हुए है, ठीक है, तो ये केड़ा हो गया आयन आयन फोर्सेस, ठीक है ना, क्योंकि फ्लोरीन का चार्ज होता है माइनस वन. अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स इज कोबाल्ट वाटर सिक्स थ्री प्लस, तो कोबाल्ट इज थ्री प्लस, वाटर इज न्यूट्रल, बट वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो डाइपोल बना दूंगा, तो जेडी फोर्स होगी दैट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द आयन एंड द डाइपोल, ठीक है. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सीएफटी एंड बीबीटी. हुन आपां करांगे बच्चे कि सीएफटी एक्चुअल च कहिंदी की है, ठीक है ना, मतलब आपां ओही शेप्स वगैरह एक्सप्लेन करांगे अकॉर्डिंग टू सीएफटी. बट उस तो पहला कि हाउ डज सीएफटी एक्सप्लेन द शेप, मैग्नेटिक करेक्टर, स्पिन एटसेट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. सो देखो राजे, हुन आपां नूं एक मेन कॉन्सेप्ट करना आपां ने सीएफटी दा, तो उन्होंने हमें चंगी तरह समझो. तुम देखो जी, मैं दो कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं सोडे अगे, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्सेस. पहला आप वीबीटी से जिम्मे सॉल्व किया उमें लिखा. हूं देखो, सो लेट इट बी एक अपना कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट साइनाइड सिक्स थ्री माइनस, और एक कॉम्प्लेक्स है बच्चे अपना कोबाल्ट फ्लोराइड सिक्स थ्री माइनस, ठीक है. दोनों के बीच कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे प्लस थ्री है. हुन अपन सीएफटी का क्लीयरली पता लगूगा कि कोई रट्टा मारन की लोड़ नहीं कि पेयरिंग होगी किमें होगी, वह पुश करूगा या नहीं, ऑटोमैटिकली होगी. सिर्फ आपां नूं सीरीज लर्न करनी है भी केड़े लिगेंड स्ट्रोंग है ते केड़े वीक है. एक्चुअल च इत्थे पता लगूगा आपां नूं भी केड़े लिगेंड स्ट्रोंग है ते केड़े लिगेंड्स वीक है. सो देखो लो, सो कोबाल्ट साइनाइड सिक्स थ्री माइनस ते कोबाल्ट फ्लोराइड सिक्स थ्री माइनस, हुण इन्हां दोनों कॉम्पलैक्सिस च फर्क की है. इन दोनों कॉम्पलैक्सिस च बस यही फर्क है कि जिहड़ा साइनाइड है वह स्ट्रोंग लिगेंड है, जो फ्लोराइड है वो वीक लिगेंड है. क्लियर है ना. हम देखो ने कोबाल्ट की वैलेंसी इतने थ्री प्लस है. कोबाल्ट का देखो ध्यान ना सुनो, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर इज 27, ओदी कॉन्फिगरेशन बनी आर्गन 18 4s2 3d7, फाइन. हम जो वह थ्री प्लस हो गया, सो कोबाल्ट थ्री प्लस, दो इलेक्ट्रॉन्स उन्हें इथों लूज किए हैं, एक इथों लूज किया वो बन गया 3d6, फाइन. सो देखो रे, ध्यान ना सुनो 3d6. हम बच्चे बस दोनों कॉम्प्लेक्सेस च यही फर्क है. सो ए पिया 3d, इथे 4s, इथे 4p एंड इथे 4d. सो देखो रे, सो दीज आर द ऑर्बिटल्स दैट विल बी इनवॉल्व, ठीक है. हुण ध्यान नाल समझो कि सीएफटी का कॉन्सेप्ट की है. आपां नूं इह लिखण की जरूरत नहीं है, यह नोट करने की जरूरत नहीं कॉपी च, बट मेन कॉन्सेप्ट समझो पहला कि सीएफटी कहिंदी की है. हुण देखो आपां वीबीटी के अकॉर्डिंग इन्हां नूं किवें टैकल करते हैं. जे मैं पहला इस कॉम्पलैक्स नूं बनाना होवे तो वट आई सेज कि फ्लोराइड एक वीक लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं होगी, सो जेडे 3d दे 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ ऐदा बने है, ठीक है. ते अपने हुन ऑर्बिटल्स इनवॉल्व केड़े हो जाएंगे, एक s 3p 2d, सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2, ते एक और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाऊगा, ठीक है. नाउ हुन अगर मैं एक स्ट्रोंग लिगेंड ले रहे हैं तो इन्हां दी पेयरिंग हो जाऊगी, क्लियर. तो मेरे को हाइब्रिडाइजेशन की हो जाएगी d2sp3, ते कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, डायमैग्नेटिक ते लो स्पिन. सो जे अगर देखा जाए आ दोनों तो कॉमन ही है, ठीक है ना.
ਹੁਣ d ਆਰਬਿਟਲਸ ਏਵਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਏਵਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ d ਆਰਬਿਟਲਸ a ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ d ਆਰਬਿਟਲਸ ਆਵਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੌਜੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ CFT ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵਾਟ ਡਸ CFT ਸੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕੋਬਾਲਟ 3 ਪਲੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਬਾਲਟ 3 ਪਲੱਸ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਬਾਲਟ 3 ਪਲੱਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਲੋਰਾਈਡ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੂਗਾ ਉਦੋਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਆ 5 ਯੂ 6 ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਸਾਇਨਾਈਡ ਅਪਰੋਚ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ D2SP3 ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਇਨਾਈਡ ਦੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਥਰੂ CFT ਸੋ ਵਾਟ ਡਜ਼ CFT ਸੇਜ਼ ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਦ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋ ਲਿਖੋ ਲਈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ CFT ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਂਗੂ ਲਿਖ ਲਓ ਡਿਫਾਈਨ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ CFST ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ CFST ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ CFT ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ CFT ਲਿਖੋ ਵੈਨ ਦ ਲਿਗੈਂਡਸ ਅਪਰੋਚ when the ligands approach the central metal atom when the ligands approach the central metal atom they cause the 3d orbitals kinne hunde ne bachche 3d orbitals 5 orbitals hai na 5 degenerate orbitals hunde ne jinna di energy ki hundi hai same pata na they cause the 3d orbitals to split into two sets. This cause the 3d orbitals to split into two sets. ठीक है ना? और इन दो sets दे विच split कर देंगे ने. लिखो first पहला set. लिखो first set. लिखो first point. लिखो first set. consisting of 3 ਐਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 3 d ਆਰਬਿਟਲਸ 3 ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਐਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ 3D ਚ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 3D ਆਰਬਿਟਲਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਿਖ ਲਓ DXY DYZ DZX of lower energy full stop likho they are called of lower energy unhadi energy kat jugi of lower energy they are called unhon apan name ki denge hai edda likhna hai bacche dekho t aur niche parent 2g t 2g orbitals they are called t2g orbitals getting a point haan ji hun itthe likho second point likho re second set consisting of so total 5 c tin apan ne use kar le si so the second set consisting of 2 two hai na 2 d orbitals oh kede honge jehde bache hoye hai dx2y2 dx2y2 dz2 of higher energy full stop continue karo they are called haan ji bache inu idda likhna hai EG orbitals so do sets de vich split kar jange onu apan kivein show karange so dekho so this will be shown like
कुछ ऐदा। सो देखो जो अपने को 3D दे 5 ऑर्बिटल्स है जिन्होंने आप बॉक्सेस दी फॉर्म्स भी दिखा देने होंगे है ना, चाहे उन्हें दिखा दो चाहे ऐदा, बट CFD च आप ऐदा ही दिखाने हैं। ये अपने 3D ऑर्बिटल्स है जिन्हों को 6 इलेक्ट्रॉन्स पे है, क्योंकि सारा कुछ इन्हों पर डिपेंड कर रहा है बच्चे, ठीक है ना। जो लिगेंड इन्हों को आऊगा, सो लिगेंड इन्होंने को आया तो लिगेंड ने इन्हों स्प्लिट करता इंटू 2 सैट्स, एक सैट जिदे विच 3 ऑर्बिटल्स है, एक सैट जिदे विच 2 ऑर्बिटल्स ने। इन्हों दोनों की एनर्जी इन्हों तो ज्यादा है, इन्हों तिना की एनर्जी इन्हों तो घट है। These are called EG orbitals and these are called T2G orbitals. EG orbitals and T2G orbitals. Done? Clear? Next point. Hun next point pe hi sara kuch depend karuga bache, theek hai na? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड करूगा। सो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग या द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग, क्यों स्प्लिटिंग किन्नी को होगी, द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड depends upon the strength of the ligand. ओदे अंदर भी उतने ही दो पॉइंट्स बनाओ, ओदे अंदर भी बच्चे ऐसे ही दो पॉइंट्स बनाओ। फर्स्ट पॉइंट strong field ligands लाइक कार्बोनाइल साइनाइड इथिलीन डायमीन, जिधे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है cause greater splitting। इना मतलब की है कि जिधा ईजी ते टी टू जी दो टाइप दे ऑर्बिटल्स दे विचकार एनर्जी गैप होगा वो ज्यादा होगा, गेटिंग अ पॉइंट, ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। नाउ नंबर टू, weak field ligands like water, OH minus, halides cause lesser splitting. So उत्थे बच्चे splitting cut होगी, ठीक है ना, उन्होंने केस च splitting cut होगी। एक पॉइंट वैसी स्टार मार के लिख लो कि अमोनिया इज ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ, ठीक है, मैं तुम्हें पहला भी दसा सी VBT दे टाइम, हुन फिर रिवाइज करवा रहे हैं, एक स्टार मार के लिख लो अमोनिया NH3 इट इज ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ, ना ज्यादा घट ते ना बहुत ज्यादा, ठीक है ना। सो अमोनिया हैज इंटरमीडिएट फील्ड स्ट्रेंथ। तो बच्चे हुन एक गल ध्यान नाल सुन लो ते अपने नोट्स विचों पूरी दी पूरी सीरीज नोट कर लियो चाहे लर्न कर लियो, वैसे मैं थोनू लिख के सेंड किते हुए हैं जेडे जेडे लिगेंड्स आपने लर्न करने हैं अलग तो, ठीक है ना, उन्होंने रिवाइज कर लियो, बट एक बार फिर भी पूरी दी पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ लियो, थोड़े नोट्स दे विच CFT दे अंडर पूरी दी पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैं दित्ती हुई है, उहदे विच वाटर नू मैं बॉक्स च कीता हुआ है, वाटर नू बॉक्स कीता हुआ है, वाटर का मतलब की है कि वाटर बिल्कुल सेंटर ते है, जेड़े उस तो पहला लिखे हुए ने वो सारे वीक फील्ड वाले ने, जेड़े बाद लिखे हुए ने वो स्ट्रोंग फील्ड वाले है। नो डाउट आपां नू सब नू रट्टा नहीं मारना, जिन्हां नू लर्न करना है वो मैं तुहानू लिख के सेंड किए हुए ऑलरेडी, ठीक है ना। सो हो गया बच्चे ये, ठीक है, हुण नाल ही इहदे नाल ही आपां खत्म कर दिंदे हां स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी डेफिनेशन, ठीक है ना। Write down a heading, spectrochemical series. So write down a heading, spectrochemical series.
द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नोन लिगेंड्स, द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नोन लिगेंड्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ टू कॉज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. सो द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नोन लिगेंड्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ टू कॉज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. जेड़ा लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करूगा वो स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड है, जेड़ा घट स्प्लिटिंग कॉज करूगा वो स्ट्रोंग वो वीक फील्ड लिगेंड है. तो मैं सानू पहला भी दस चुका कि पूरी की पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिन्हें भी लिगेंड आप पढ़े है वो सारी की सारी सारे नोट्स विच दिती हुई है. जेड़े इंपॉर्टेंट वनस ने वो मैं सानू मॉर्निंग च वट्सअप कर चुका, वो तुसीं उत्थों लर्न कर लेने हैं, ठीक है ना. सो दिस इज वॉट यू मीन बाय स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. सो वंस अगेन आई रिपीट कि अपने को जेड़े आह वाले 3D ऑर्बिटल्स है ये दो सेट्स च स्प्लिट कर जाएंगे. इन्होंने स्प्लिटिंग के उपर ही अपन शेप्स डिपेंड करनगियां. हुण मैं सानू ये दोनों एग्जाम्पल्स बच्चे एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ दे कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सी एफ टी. सो एक बार आप दो कॉम्पलैक्सेस लेके चल रहे हैं, हेक्सा सियानो कोबाल्टेट 3 एंड दूसरा कॉम्पलैक्स अपना है हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट 3. सो कोबाल्ट 3 प्लस है दोनों च अपने 3D6 लिख रखे है, ठीक है. नाउ हुन जो दोनों कॉम्प्लेक्सेस दे केस च कोबाल्ट 3 प्लस विल बी अप्रोच्ड बाय द लिगेंड्स, हुन उधर की होगा. सो देखो दे, सो अपन एक बार एफ लिख लेते हैं इसमें कोबाल्ट F6 3 माइनस. सो बच्चे देखो नॉर्मल स्टेट दे विच कोबाल्ट दे 3D ऑर्बिटल्स ऐदा पे है जिन्ना कोल देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. हुन अपन दोनों केस कर रहे हैं. पहला केस कि जो कोबाल्ट नो अप्रोच कीता साइनाइड ने, ठीक है. कोबाल्ट हैज बीन अप्रोच्ड बाय साइनाइड. सो कोबाल्ट हैज बीन अप्रोच्ड बाय साइनाइड. दूसरा केस है बच्चे अपने को कि कोबाल्ट हैज बीन अप्रोच्ड बाय फ्लोराइड. ठीक है, यही दो केस है. हुन स्प्लिटिंग होगी, ठीक है. तो आपको पता है कि स्प्लिटिंग ज्यादा किने केस च होगी, साइनाइड दे केस च. सो देखो इत्थे ए सीन बनूगा, अपने को तीन ऑर्बिटल्स बनेंगे लोअर एनर्जी दे जिन्हें अपन नेम देवांगे T2G, ते दो ऑर्बिटल्स बनेंगे हायर एनर्जी दे जिन्हें अपन नेम देवांगे EG. फाइन, ठीक है. सिमिलरली फ्लोराइड दे केस च अपने को तीन ऑर्बिटल्स बनेंगे लोअर एनर्जी दे जिन्हें अपन नेम देवांगे T2G एंड दो ऑर्बिटल्स बनेंगे हायर एनर्जी दे जिन्हें अपन नेम देवांगे EG. फाइन, सो अपन डायग्रामेटिकली वेरी मच क्लियर है कि साइनाइड दे केस देयर इज अ ग्रेटर स्प्लिटिंग जबकि फ्लोराइड दे केस देयर इज लेसर स्प्लिटिंग. फाइन, हुण देखो रे क्लियर और डन जी, ठीक है. नाउ हुन अपा इन्हां दी इलेक्ट्रॉन्स दी फिलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है. नाउ वी शैल स्टार्ट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ द केसेस. सो देखो रे ध्यान नाल, हुन अपा नूं पता है अपा प्लस वन एटॉमिक स्ट्रक्चर च ऑफ बाउज रूल करते हुंदे हैं कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किवें हुंदी है फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी. पहला आगले ऑर्बिटल्स पर आएंगे फिर आवले ऑर्बिटल्स पर आएंगे. सिमिलरली पहला आवले पर आएंगे फिर आवले पर आएंगे, ठीक है. हुन इधर देखो ध्यान नाल बच्चे,
सो पहले तीन इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोला ही नहीं दोनों केसेस च टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है मेरे को 3d दे विच 6 इलेक्ट्रॉन्स सो पहले तीन इलेक्ट्रॉन्स हंड्स रूल में फॉलो कर रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करता सिमिलरली एक एक इलेक्ट्रॉन मैं फिल करता फाइन हुन एक आंसर तुसी मैनू वैसे ही दे दो ठीक है सानू वैसे ही क्लियरली दिख रहा हूं मैं चौथा इलेक्ट्रॉन फिल करना है ठीक है ना लॉजिकली चौथा इलेक्ट्रॉन कितने जाऊंगा एदे केस 1 2 3 चौथा इथे जाऊंगा यू गेटिंग अ पॉइंट देखो ध्यान नाल पहला की हुंदा है dxy dyz z dzx dx2 y2 ते dz2 मैं dxy yz zx दोनों दे केस च भरते ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹਦੇ dx2 y2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸੌਖਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਚੌਥਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੋ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਫੋਰਥ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਛੇਵੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹੁਣ ਜ਼ੂਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੀ ਪੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਟਰੋਂਗ ਲਿਗੈਂਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਗੀ ਤੇ ਵੀਕ ਲਿਗੈਂਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਈ ਹੋਪ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਲਿਗੈਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉੱਪਰਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ 7ਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗਾ 8ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗਾ 9ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗਾ 10ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦਕਿ ਇਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ 9ਵਾਂ 10ਵਾਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਫਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੜਲੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਟੀ 2g 6 ਈ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 0 ਉੱਪਰ ਲੈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਟੀ 2g 4 ਐਂਡ ਈ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮਪਟੀ ਬਚ ਗਏ ਬੱਚੇ ਆਮਲੇ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ 3D ਦੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਐਮਪਟੀ ਹੋ ਗਏ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਮਪਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਆਪਣੀ D2SP3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਗੈਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸੌਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡਾਇਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲੋ ਸਪਿਨ ਇਨਰ ਆਰਬਿਟਲ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ sp3d2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੇ ਆਊਟਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਪ੍ਰਿੰਗਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਗੈਂਡ ਵੀਕ ਹੋਊਗਾ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੀਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉੱਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਸੀਐਫਟੀ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸਪਿਨ ਐਂਡ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਨਰ ਆਰਬਿਟਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਆਊਟਰ ਆਰਬਿਟਲ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲਿਗੈਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣਗੇ ਲੋ ਸਪਿਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਇਨਰ ਆਰਬਿਟਲ ਬਣੂਗਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲਿਗੈਂਡ ਵੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣੂਗਾ ਐਂਡ ਆਊਟਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣੂਗਾ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨਾਓ ਹੁਣ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ VBT ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ
क्रोमियम एमोनिया 6 3+, एक कॉपर एमोनिया 4 2+। वैसे उन्होंने कहा कि क्रोमियम वाली एग्जाम्पल आप सीएफटी नाल इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट एनी रट्टाफिकेशन या क्रैमिंग, ठीक है ना। मैं वो एग्जाम्पल हूं पहला सीएफटी दे नाल एक्सप्लेन करके दिखाना है बिफोर मूविंग ऑन टू सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू सीएफटी। फाइन, सो बच्चे देखो आपने कल एक एग्जाम्पल की सी, एक एक्सेप्शनल केस क्रोमियम एमोनिया 6 3+, जिथे क्रोमियम की वैलेंसी 3+ है, ठीक है। तो देखो इस चीज को आप वीबीटी नाल डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, देखो कि नहीं आपने कहा सीगा कि क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 आर्गन इज 18 4s1 एंड 3d5 एक्सेप्शनल कॉन्फिगरेशन है ना। फिर आपने लिखा कि क्रोमियम 3+ जो है उसकी कॉन्फिगरेशन बन गई आर्गन 18 3d3 एंड 4s empty हो गया बच्चे। फिर आपने किया कि जदों एमोनिया उसनु अप्रोच करूगा तो जेडे ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयर अप नहीं होंगे, तो एक तरह का देखो बच्चे आप रूल नु वायोलेट कर रहे हैं कितने ना कितने जाके, क्योंकि एमोनिया पेयरिंग करवाता हुंदा है जबकि इत्थे पेयरिंग नहीं हो रही। तो आपां नु किवें लर्न कीता सी कि जो ऑर्बिटल्स आपां नु लोड है ना d2sp3 वो दो ऑर्बिटल्स ऑलरेडी खाली है। बट अगेन यस स्टूडेंट्स कैन ऑलवेज मतलब इस गल ते भी एक जिद बच्चा कर सकता है कि सर तुसी क्या सी कि एमोनिया पेयरिंग करवाऊंगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स पेयरिंग करवाऊंगे है ना, तो इत्थे पेयरिंग क्यों नहीं हो रही, ठीक है। हुण तुसी देखो ये चीज आप सीएफटी नाल बड़ी ईजीली एक्सप्लेन कर देंगे, देखो कि मैं अपने कोल आ 3d ऑर्बिटल्स है क्रोमियम दे जिन्ना कोल 3 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे, इन्हां दी स्प्लिटिंग होगी एमोनिया ने अप्रोच किया, ठीक है। तो देखो 3 ऑर्बिटल्स अपने कोल बन गए t2g ऑर्बिटल्स, 2 ऑर्बिटल्स बन गए eg ऑर्बिटल्स। सो जितनी मर्जी स्प्लिटिंग होगी बच्चे डजंट मैटर, हुण इधर देखो देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स ने और 3 इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले चले गए 1 2। पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इत्थे जाएंगे ना बच्चे, उन्होंने तो t2g ही जाना है क्योंकि इन तिना की एनर्जी आपस में की है सेम। सो जो तिना में चले गए 1 2 3 फिल हो गया, सो अपने को पेयरिंग दे कोई चांस ही नहीं। यू गेटिंग अ पॉइंट, पेयरिंग का मुद्दा तो चौथे इलेक्ट्रॉन तो स्टार्ट होता है, अगर चौथा इलेक्ट्रॉन इत्थे चला जाऊगा तो पेयरिंग नहीं होगी, अगर इत्थे रह जाऊगा तो पेयरिंग विल स्टार्ट। पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स तक तो पेयरिंग का इशू ही नहीं है बच्चे, ठीक है ना। सो देखो हुण जिहड़ी एग्जाम्पल अपनी कल एक प्रॉब्लमैटिक एग्जाम्पल सी ਉਹ CFT ਨਾਲ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੀਸ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਅਨਪੇਅਰਡ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪੈਰਾਮੈਗਨੇਟਿਕ ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਨਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ d2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 d ਆਰਬਿਟਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3d ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ d2sp3 ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ पैरामैग्नेटिक हाई स्पिन एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। सो विद दिस हुन अपन एक एक्सेप्शनल केस इस दे नाल एक्सप्लेन कर लिया, जेड़ा अपना अगला एक्सेप्शनल केस सी बच्चे कॉपर एमोनिया 4 वाला, उसको अपन सीएफटी दे नाल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है ना। नाउ वी शैल मूव ऑन टू कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो अपन नु आनिया चाहिए हैं along with CFT, ठीक है ना। सो देखो रे, सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सो बच्चे देखो बेसिक अपना यही है CFT का कि आपने 5 degenerate 3d ऑर्बिटल्स है जिन्होंने जो लिगेंड ने किया अप्रोच तो यह 2 सेट्स दे विच स्प्लिट कर गए, एक स्प्लिट एक सेट लोअर एनर्जी दा जिन्हों आप कहने हैं t2g, एक सेट हायर एनर्जी दा जिन्हों आप कहने हैं eg। इहदे विच पहले 3 ऑर्बिटल्स आ गए dxy yz zx, इहदे विच अगले 2 आ गए dx2y2 एंड dz2। फाइन, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखो, सी एफ
ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਔਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਿੰਬਲ ਪਾ ਲਓ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓ ਲਈ ਬੱਚੇ ਓਕਟਾਹੈਡਰਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਸਟੈਂਡਸ ਫੋਰ ਓ ਓਕਟਾਹੈਡਰਲ ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਓਕਟਾਹੈਡਰਲ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਅਗੇਨ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਕਿ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੇਨਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਆ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਲਿਖੋ ਦ ਐਨਰਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ ਸੈਟਸ ਆਫ ਆਰਬਿਟਲਸ The energy difference between the two sets of orbitals. The energy difference between the two sets of orbitals is called CFSC. Is called CFSC. ठीक है? So मैं repeat कर देना है लिखने की सुनने जरूरत नहीं है जिधर strong field ligands होंगे उन्हें दे केस च डेल्टा नॉट डेल्टा ओ ज्यादा होएगा वीक फील्ड लिगेंड्स दे केस चे कट होएगी ठीक है ना हुन अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे लिखो बैरिसेंटर रूल बी ए आर वाई बैरिसेंटर रूल सो की कहता बच्चे है लिखो द स्प्लिटिंग अकर्स इन सच अ मैनर The splitting occurs in such a manner, the splitting of orbitals, it occurs in such a manner that the average energy of the system remains the same. जिधि splitting है बच्चे ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਓਵਰਆਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ એનર્ਜੀ ਇਨਾਂ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੀ ਡੈਲਟਾ ਨਾਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 3/5 ਡੈਲਟਾ ਨਾਟ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 2/5 डेल्टा नॉट सो अगर मैं 3/5 ਤੇ 2/5 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ डेल्टा नॉट सो एवरेज एनर्जी रिमेंस द सेम ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਘਟ ਜੂਗੀ ਓਵਰਆਲ એનર્ਜੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹੇ डेल्टा नॉट ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ E ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ એનર્ਜੀ E ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਕੇ ਹੋਗੀ 2/5 ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਗੀ 3/5 ਵੀ ਬਟ ਦ ਓਵਰਆਲ એનર્ਜੀ ਰਿਮੇਂਸ ਦ ਕਨਸਟੈਂਟ ठीक है रिमेन्स द कॉन्स्टेंट फाइन एनफ ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सो बैरिसेंटर रूल सेज द स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अकर्स इन सच अ मैनर दैट द एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट या सेम ठीक है नेक्स्ट डेफिनेशन हम बच्चे नेक्स्ट डी डेफिनेशन आप कर रहे हैं उस टू क्वेश्चन आते हैं एग्जाम ठीक है सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज पेयरिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज पेयरिंग एनर्जी ठीक है लिखो द एनर्जी नीडेड क्वेश्चन डेफिनेशन जो नहीं आएंगे क्वेश्चन जड़ा होगा आप करांगे ठीक है ना द एनर्जी नीडेड फॉर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द एनर्जी नीडेड फॉर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अच्छा ना ब्रैकेट्स बचे तो सिंबल भी लिख लो सिंपल पी नाम ठीक है द एनर्जी नीडेड फॉर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 3D ऑर्बिटल्स सो जिहड़े अंदर वाले ऑर्बिटल्स है द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 3D ऑर्बिटल्स ठीक है हुन देखो लो सो जित्थों आपां नूं क्वेश्चन आना है अपने कोल दो केस बन गए एक अपने को स्प्लिटिंग दी एनर्जी है जिन्नी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी पेयरिंग उन्नी घट होगी पेयरिंग होने के चांस घट गए ना देखो जो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी सॉरी पेयरिंग होगी नीचे ठीक है ना जिन्नी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उन्ने ही इलेक्ट्रॉन्स नीचे रहना प्रेफर करेंगे तो पेयरिंग होगी ठीक है हुन जिहड़ी पेयरिंग एनर्जी है देखो अगेन मतलब
केमिस्ट्री दे विच स्टेबिलिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। देखो पेयरिंग एनर्जी है की जिवें कि आयनाइजेशन एनर्जी की होंगी है, एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, जिन्नी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन नु रिमूव करना मीन उन्ना ही मुश्किल है। उवे पेयरिंग एनर्जी की है, एनर्जी नीडेड टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन, जिन्नी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी इट मीनस पेयरिंग उन्नी ही मुश्किल होगी। ठीक है, सो इफ डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पी और इफ पी इज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट, अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग विल अकर। बच्चे गल समझ गए ना, चाहे दोनों दोनों फॉर्म्स कर लो। देखो इधर देखो, जे स्प्लिटिंग ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे रहना प्रेफर करेंगे, पेयरिंग होगी, या उल्टा कर लो, पेयरिंग होने लिए अपन घट एनर्जी की लड़ है सो पेयरिंग होगी। गेटिंग अ पॉइंट, पेयरिंग ईजीली होगी। अगर पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर दैन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी कि स्प्लिटिंग घट हो रही है तो इलेक्ट्रॉन उपर जाना प्रेफर करेंगे, यानी कि पेयरिंग नहीं होगी। सो इफ पी इज ग्रेटर दैन डेल्टा नॉट देयर विल बी नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स दे केस्ट डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पी, ते वीक फील्ड लिगेंड्स दे केस्ट पी इज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बच्चे। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, pairing energy and comparison of pairing energy with crystal field splitting energy। अगर crystal field splitting energy ज्यादा है तो pairing energy घट है तो pairing होगी, अगर pairing energy ज्यादा है तो crystal field splitting घट है तो pairing नहीं होगी। क्लियर है बच्चे? सो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो बच्चे दिस इज इट फॉर टुडे, आपने आज की है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आपने किया कि वीबीटी नालों मेन सीएफटी का डिफरेंस की है कि वीबीटी दे विच बॉन्डिंग बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड द लिगेंड्स इज कोवेलेंट, जबकि इहदे विच आपां लैके चलदे हां कि इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, जदों लिगेंड अप्रोच करूगा बच्चे सेंट्रल मेटल एटम नूं तां जिहड़े उहदे 3D ऑर्बिटल्स है, अंदर वाले ऑर्बिटल्स है, दे विल स्प्लिट इनटू टू सेट्स। एक स्प्लिट जिदे एक सेट जिदे विच तीन ऑर्बिटल्स होंगे ते एनर्जी घट होएगी, नोन एज T2G ऑर्बिटल्स। एक सेट जिदे कोल एनर्जी ज्यादा होएगी, दो ऑर्बिटल्स होंगे, नोन एज EG ऑर्बिटल्स। ठीक है, उन्हां दी स्प्लिटिंग अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड करती है लिगेंड्स दे उपर। ठीक है, जिहड़ा उन्हां दोनों दे विचकार एनर्जी गैप है दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो जिहड़ा लिगेंड स्ट्रोंग होगा वह ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करूगा एंड दैट इज नोन एज क्रिस्टल सॉरी स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड, जिहड़ा लिगेंड वीक होगा वह घट स्प्लिटिंग कॉज करूगा एंड दैट इज नोन एज वीक फील्ड लिगेंड। सारे दे सारे लिगेंड्स नू अरेंज करना इन टर्म्स ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फाइन, सो जो लिगेंड स्ट्रोंग होगा स्प्लिटिंग ज्यादा हो जूगी, द इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन इन द लोअर सेट and the pairing will take place, and jado ligands weak honge the splitting cut hogi, the electrons can jump to the higher shell and the pairing will not take place। fir apan ne kita si bacche barycenter rule, theek hai na, barycenter rule ki hai ki splitting jado hundi hai to is tarike nal hundi hai ki average energy of the system remains constant, jehda lower set hai lower energy da set hai ohdi energy ho jandi hai average energy da 2/5, हायर दी हो जाती है 3/5, दैट होल ऑफ एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है ना, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एंड फाइनली आपने एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कवर की थी, पेयरिंग एनर्जी, द एनर्जी नीडेड टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स, जिन्नी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी चांसेस ऑफ पेयरिंग उन्ने ही घट होंगे। ठीक है ना, जिन्नी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी चांसेस ऑफ पेयरिंग उन्ने ही
घट होंगे, यानी कि जिन्ना लिगेंड वीक होएगा बच्चे, जिन्ना लिगेंड वीक होएगा पेयरिंग एनर्जी उन्नी ही ज्यादा आएगी, यानी कि उसे पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, सो इन्ना पोर्शन तुसी चंगी तरह कर लेना। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कल आपा बच्चे करांगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मतलब जस्ट पॉइंट्स ही करने आपा ने इन केस ऑफ स्क्वायर पेलर ते टेट्राहेड्रल। जस्ट मैं सानू यही दसूंगा कि बेसिक डिफरेंस की है, अदरवाइज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दा अगर क्वेश्चन आऊगा तो वो ऑक्टाहेड्रल च ही आऊगा, क्योंकि इट इज मेनली एप्लीकेबल फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। फाइन, सो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज लेक्चर। कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग बच्चे। थैंक्स अ लॉट।